श्रीमद होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि गायत्री मंत्र सुबह शाम कहाँ कब और कैसे बोलना चाहिए और एक कैसे असरदार होता है। देखिए, वेद माता गायत्री आदि शक्ति है। ज्ञान शक्ति रूप माता गायत्री का स्मरण सांसारिक जीवन की हर परेशानियों से बाहर आने और मनोरथ पूरे करने के लक्ष्य से बहुत अहमियत रखता है। यही कारण है कि गायत्री का ध्यान और उपासना के लिए गायत्री मंत्र का जप बहुत ही असरदार माना गया है। मंत्र, श्लोक या स्तोत्र के जप का शुभ फल तभी संभव है जब उनके लिए नियत समय, नियम और मर्यादा का पालन किया जाए। गायत्री मंत्र जप के लिए भी ऐसा ही नियत वक्त और नियम शास्त्रों में बताए गए हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि गायत्री मंत्र का जप कब से कब तक करना चाहिए। यथासंभव गायत्री मंत्र का जप किसी नदी या तीर्थ के किनारे, घर के बाहर एकांत जगह या शांत वन में बहुत प्रभावशाली होता है। गायत्री मंत्र जप और संध्या का महत्व सूर्योदय से पहले है, इसलिए सूर्य उदय होने से पहले उठकर जब तक आसमान में तारे दिखाई दें, संध्या कर्म के साथ गायत्री मंत्र का जप करें। इसी तरह शाम के समय सूर्यास्त होने से पहले संध्या कर्म और गायत्री मंत्र का जप शुरू करें और तारे दिखाई देने तक करें। धार्मिक दृष्टि से सुबह के समय खड़े होकर किया गया संध्या कर्म और गायत्री जप रात के पाप और दोषों को दूर करते हैं। वहीं शाम को बैठकर किया गया संध्या कर्म और गायत्री जप दिन में हुए दोष और पाप नष्ट करते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।